और एक सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले बताता हूँ कि आपको एमबीए की लिस्ट कहाँ से मिलेगी, एमबीए जो आप जर्मनी में पढ़ सकते हो। तो आप ये जो देख रहे हो मेरे बैकग्राउंड में, ये मेरी वेबसाइट है। पहले हम निक्षाला डॉट कॉम पर चलते हैं। और एक सो आप देख सकते हो कि मैं निक्षाला डॉट कॉम पर आ चुका हूँ। आपको सिंपली क्या करना है एमबीए लिस्ट लेने के लिए, आपको इस वेबसाइट के सबसे नीचे स्क्रॉल करना है। तो आप यहाँ पर कोर्सेज शॉर्ट लिस्टिंग का एक फोल्डर देखोगे, इसके अंदर जाना है आपको। नीचे स्क्रॉल करना है शॉर्ट लिस्ट नाउ, और फिर यहाँ से यहाँ पर जाना है आपको मास्टर्स इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट वाले फोल्डर में। और एग्जैक्टली यहाँ पर रखा हुआ है एमबीए का जो मेन फोल्डर है। यहाँ आओगे आप, अंदर जाओगे, डेटा दोगे, बिकॉज इट्स अ पेड सर्विस, सो आप पेमेंट करोगे और देन यू विल हैव एन एक्सेल शीट। तो अभी मैं आपको बताता हूँ जो आप एक्सेल शीट डाउनलोड करोगे अपने लैपटॉप में वो कैसे दिखेगी। ये है वो लिस्ट। आगे बढ़ने से पहले, ये लिस्ट में अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस लिस्ट की खासियत ये है कि कुछ ऐसे फिल्टर्स हमने इसमें लगा रखे हैं जो आपको बाकी के सर्च इंजन्स में नहीं मिलेंगे। ये एक रेडीमेड यूनिवर्सिटी लिस्ट एमबीए की हमने तैयार करके रखी है। आप शीट 2 में डायरेक्ट, अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी अच्छी लग रही है तो आप सिंपली कॉपी करो इस चीज़ को, शीट नंबर 2 पे आओ, यहाँ पर आके पेस्ट कर दो। तो ऐसे करके आप अपनी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट इसी चीज़ों से कर सकते हो। तो पहले मैं आपको थोड़ा और डिटेल दे देता हूँ। सीरियल नंबर, यूनिवर्सिटी का नाम है, लोकेशन कहाँ पर है, सब चीज़ में फिल्टर लगा हुआ है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर लोकेशन चाहिए आप यहाँ पर डी सिलेक्ट करो, आप सिर्फ बर्लिन वाले सिलेक्ट कर लो तो आप बर्लिन वाले दिख जाएंगे। सिमिलरली हमने और भी सिटीज हमने लगा रखी है। आगे चलते हैं, ड्यूरेशन कितना है, अगर आपको 1.5 साल वाला चाहिए, ट्राइमेस्टर का भी सिस्टम कुछ यूनिवर्सिटीज में है, 2 साल का वाला चाहिए, तो आप फिल्टर लगा के सीधा सीधा डी सिलेक्ट करो, जो चाहिए वो उसको सिलेक्ट करो और आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, सो इनटेक आपको कौन सा चाहिए? कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मैंने देखा है कि 2 इनटेक होते हैं, समर विंटर। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में देखा है तीन तीन चार चार इनटेक्स भी होते हैं। तो ये चीज़ जो मैं आपको बात कर रहा था कि क्या चीज़ दूसरे सर्च इंजन्स पे अवेलेबल नहीं है, वो है स्टार्ट डेट। अब यूनिवर्सिटी स्टार्ट डेट बहुत यूनिवर्सिटीज़ नहीं लिखती हैं। ये हमारा खुद का डेटा है, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल पाई हमने इसमें डाल दी है। फीस कितना है पर सेमेस्टर, फीस आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर डी सिलेक्ट करके, मान लो मैं 6,000 यूरो या उससे कम वाला देखते हैं, 5,100 यूरो वाला है, तो एक यूनिवर्सिटी दिख रही है उस चीज़ में जो आपको एमबीए में सपोर्ट कर पाएगी आपके बजट में। ठीक है, एक और चीज़ जो मैंने देखी है वो है ये है कि बहुत लोगों को जीमैट नहीं देना होता है। ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जीमैट की रिक्वायरमेंट होती है, बाय द वे। ठीक है, और जीमैट का एक अच्छा स्कोर अगर आप दे भी रहे हो तो इट्स अराउंड 650+। ठीक है, बट बहुत लोगों को नहीं देने का मन होता है जीमैट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें से आप डी सिलेक्ट करो, नॉट रिक्वायर्ड वाले में जाओ, और ये सारी नॉट रिक्वायर्ड वाली एमबीए की यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, एक और कंसर्न मैंने देखा है कि काफ़ी लोग एक फ्रेश ग्रेजुएट्स तो ऑफकोर्स डायरेक्ट एमबीए नहीं कर सकते, बट अगर आपके पास मिनिमम 1 साल का भी एक्सपीरियंस है अगर, तो आप एमबीए ज़रूर कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर हमने वर्क एक्सपीरियंस के सेक्शन में फिल्टर डाल रखा है। डी सिलेक्ट करो, सिर्फ 1 साल वाला सिलेक्ट करो, और ये सारी यूनिवर्सिटी जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है यहाँ पर आप 1 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे एमबीए के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आगे चलते हैं और क्या क्या इंटरेस्टिंग है। आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट मिल जाएगी उस एमबीए की पेज की। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होता है सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है हमने। इसके अलावा हमने ये भी मेंशन करा है कि इस पर्टिकुलर एमबीए के लिए जिस भी यूनिवर्सिटी को आप सिलेक्ट करोगे उसमें कौन सा बैचलर्स एक्सेप्टेड है, तो वो भी लिखा हुआ है। एप्लीकेशन फीस देनी है नहीं देनी है, क्योंकि कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ती है। मान लो मैं डी सिलेक्ट करता हूँ और नॉट रिक्वायर्ड वाले में जाता हूँ, तो ये सारी वो यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर आपको कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है। ठीक है, और लास्टली जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है आपका जर्मन जीपीए रिक्वायरमेंट कितना है। तो अगर आपको परसेंटेज में आया है या सीजीपीए में आया है तो उसको आप जर्मन जीपीए में कन्वर्ट कर सकते हो निक्षाला.com से। वहां पर हमने जर्मन कैलकुलेटर लगा रखा है, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप इस तरीके से आप अपना ग्रेड्स को कन्वर्ट करो जर्मन जीपीए में। तो मान लो हम यहाँ आते हैं और मेरा आया है लेट्स से 2.2.1 आया, तो ऑफकोर्स मैं 2.2 सिलेक्ट करूँगा, तो जो भी उसके इसमें आ रहा है आपको दिख जाएगा।
हालांकि मैंने देखा कि कई मोस्टली एमबीए या बिजनेस स्कूल्स जनरली सिर्फ ग्रेड्स देख के आपके बैचलर्स के बेसिस पे नहीं डिसाइड करते कि आपको एडमिशन देना है नहीं देना है। सही में बिजनेस स्कूल में वो ओवरऑल प्रोफाइल देखते हैं आपकी। सो यार, इस तरीके से आप एमबीए की लिस्ट ले सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पहला लिंक डाल दूंगा, आप वहां से आप ये लिस्ट लेके अपना खुद का लिस्ट तैयार कर सकते हो। तो द ओनली थिंग वॉट विल बी लेफ्ट आफ्टर यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग इज यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन करना, ठीक है? तो डोंट हेजिटेट टू रीच आउट टू अस अगर आपको कोई कोई भी चीज़ हमसे चाहिए। मेरे वेबसाइट पे एसओपी का सैंपल पड़ा हुआ है, कौन सा सीवी चाहिए होता है उसका सैंपल पड़ा हुआ है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कैसा दिखता है उसका सैंपल पड़ा हुआ है, जर्मन लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हो तो उसका कोर्स पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इस वेबसाइट पे हमने डाल रखी है, सो दैट यू डोंट हैव टू गो एल्सवेयर। ठीक है, वीडियो पसंद आया लाइक करना एंड फॉलो फॉर मोर।